हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन देखेंगे, UNFCCC के बारे में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, खतरनाक जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए समझौते पर बातचीत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया है। यह जलवायु परिवर्तन प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप से निपटने के लिए देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। थोड़ा सा आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा भारी जाएगा, थोड़ी सी आवाज़ की दिक्कत है, गला थोड़ा सा ख़राब है। ऐसा करने का मुख्य तरीका वायुमंडल में ग्रीन हाउस में गैसों की वृद्धि को सीमित करना। इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो ने आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 154 राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसे अनौपचारिक रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता। यह संधि 21 मार्च 1994 को लागू हुई। UNFCCC सचिवालय का नाम ही भी है। इस सम्मेलन का संचालन समर्थन करने का काम सौंपा गया, जिसके कार्यालय जर्मनी के बॉन में संयुक्त राष्ट्र परिषद में। प्रकार की बात करें तो बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता प्रसंग पर्यावरणवाद है। मसौदा तैयार किया गया 9 मई 1992। हस्ताक्षर किए गए 4 से 14 जून 1992 में जगह रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील न्यूयॉर्क। असरदार है 21 मार्च 1994 को। स्थिति 50 राज्यों द्वारा अनुसमर्थित स्थिति है। पार्टियां 198 हैं। नीचे पगार संयुक्त राष्ट्र महासचिव, बोली अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 2 में बताया गया है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। संधि जलवायु में वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखने का आह्वान करती है। यह शोध समझौते की ओर ले जाने के लिए बैठकों और वार्ता का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकीय तंत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने देना है। साथ ही इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जलवायु परिवर्तन में इसे संबोधित करने के उपायों से खाद्य उत्पादन को कोई खतरा ना हो, और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को स्थायी तरीके से आगे बढ़ने में सक्षम बनाना। UNFCCC का काम वर्तमान में पेरिस समझौते को लागू करने पर केंद्रित है। यह समझौता 2016 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तरों से नीचे सीमित करना है और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखने का लक्ष्य है। पेरिस समझौते ने UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल को पीछे छोड़ दिया, जिस पर 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे, और यह 2005 से 2020 तक चला गया था। 2022 तक UNFCCC में 198 पक्ष होंगे। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय पार्टियों का सम्मेलन हर साल मिलता है। क्षेत्रीय और तकनीकी स्तर पर अन्य बैठक पूरे वर्ष होती है। पेरिस समझौता हर 5 साल में अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की समीक्षा एवं वैश्विक स्टॉकेट अनिवार्य करता है। इनमें से पहला 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में COP28 में हुआ था। संधि में 3 श्रेणियों के राज्यों के लिए जिम्मेदारियाँ तय की गई। वे विकसित देश, विशेष वित्तीय जिम्मेदारियों वाले विकसित देश और विकासशील देश। विकसित देशों के अनुलग्न देश कहा जाता है। पहले इनकी संख्या 38 थी। अनुलग्न देशों को राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए इस तरह के उपाय करने चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से, संयुक्त रूप से अपने 1990 के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर पर लौटने के लिए कदमों की रिपोर्ट भी देनी चाहिए। यह समस्याजनक है कि प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता देश अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से UNFCCC की आलोचना की गई है। इसे अपनाने के बाद से बात करें तो ग्रीन हाउस में असफल रहा। सम्मेलन के पक्ष बहुमत मतदान की अनुमति देने वाला प्रक्रिया पर सहमत नहीं। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, जिसके व्यक्तिगत दलों पर देशों को वीटो का अधिकार मिल जाता है। जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए पेरिस समझौते की प्रभावशीलता पर भी बहस चल रही है। खासकर वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने पर इसके अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के संबंध में। IPCC की पहली मूल्यांकन रिपोर्ट 1990 में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन विज्ञान और आज तक की वैज्ञानिक सहमति का व्यापक अवलोकन किया गया था। इसमें अनिश्चितताओं पर चर्चा की गई है। वार्मिंग के सबूत दिए गए हैं। लेखकों ने कहा कि वह निश्चित है कि मानवीय गतिविधि के कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह अधिक गर्म हो रही है। रिपोर्ट के कारण जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुई। कन्वेंशन का पाठ 30 अप्रैल से 9 मई 1992 तक न्यूयॉर्क में एक अंतर सरकारी वार्ता समिति की बैठक के द्वारा
तैयार किया गया था। कन्वेंशन को 9 मई 1992 को अपनाया गया और 4 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन से जाना जाता है। सरकारों को पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोकने लक्ष्य के साथ ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता को कम करने के लिए प्रतिबंध किया गया। इस प्रतिबंध के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पर्याप्त कमी की आवश्यकता होती है। कन्वेंशन में अनुच्छेद 3 में कहा गया कि पार्टियों को समान लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताओं के आधार पर जलवायु प्रणाली की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए और विकसित देश पार्टियों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। अनुच्छेद 4 के तहत सभी पक्ष जलवायु परिवर्तन को संबंधित करने के लिए समान प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन समान और जलवायु परिवर्तन के लिए विकासशील देश पक्ष किसी सीमा तक कन्वेंशन के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करेंगे। यह विकास देश पक्षों द्वारा कन्वेंशन के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंधित अपनी प्रतिबद्धता के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा और इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। आर्थिक और सामाजिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन पक्षों की पहली और सर्वोपरि प्राथमिकता है। कन्वेंशन में निर्दिष्ट किए गए अनुलग्न के पक्षधारों का उद्देश्य 2000 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और अन्य मानव जनित ग्रीन गैस जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत विनियमित नहीं है 1990 के स्तर पर स्थित करना था। फ्रेमवर्क कन्वेंशन का अंतिम उद्देश्य अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट किया गया वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर रखना जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके। कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि इसे इकोसिस्टम को जलवायु परिवर्तन के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त समय सीमा के भीतर हासिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य उत्पादन को खतरा ना हो और आर्थिक विकास को टिकाऊ तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। जलवायु सशक्तिकरण के लिए कार्रवाई ऐसी ये शब्द है जिसे UNFCCC ने 2015 में इस विषय के लिए अनुच्छेद 6 से बेहतर नाम देने के लिए अपनाया था। यह सम्मेलन मूल पाठ के अनुच्छेद 6 को संदर्भित करता है जो 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा प्रशिक्षण सार्वजनिक जागरूकता सार्वजनिक भागीदारी सूचना एवं सार्वजनिक पहुंच इन मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी 6 क्षेत्रों के कार्यान्वयन को जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को समझने और हल करने में सभी की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण कारक रूप में पहचाना गया। ऐसे ही सरकारों में शैक्षणिक और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम विकसित करने और लागू करने की वैज्ञानिक तकनीक प्रबंधकीय कर्मियों को प्रशिक्षित करने सूचना तथा पहुंच को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों को संबंधित करने में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने का आह्वान करता है। यह देशों से इस प्रक्रिया में सहयोग करने अच्छी प्रथाओं सीखे गए सबक आदान प्रदान करने और राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने का भी आग्रह करता है। गतिविधियों का यह व्यापक दायरा विशिष्ट उद्देश्य निर्देशित करता है जिन्हें एक साथ जलवायु अनुकूलन और समन क्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और UNFCCC के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो UNFCCC उस सचिवालय का नाम है जिसे सम्मेलन के संचालन का समर्थन करने का काम सौंपा गया जिसके कार्यालय जर्मनी के बॉन में संयुक्त राष्ट्र परिसर में कार्यालय अपने हॉस कॉस्टेंजन और UN परिसर में लेंगर यूजन नामक एक इमारत में स्थित है। सचिवालय की स्थापना कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 के तहत ही की गई है और इसका नेतृत्व कार्यकारी सचिव करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के समांतर प्रयासों से संवर्धित सचिवालय का उद्देश्य बैठक और विभिन्न रणनीतियों की चर्चा के माध्यम से आम सहमति प्राप्त करना UNFCCC संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से पार्टियों के सम्मेलन ने इस बात की चर्चा की है कि संधि के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए। 2010 से 2016 तक सचिवालय की प्रमुख क्रिस्टियाना फेगुरेस थी, उसके बाद ब्रिटेसिया एस्पिनोसा थी जिन्होंने 18 मई 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव वान की मून द्वारा कार्यकारी सचिव नियुक्त किया और उन्होंने 18 जुलाई 2016 को पदभार ग्रहण किया। एस्पिनर ने 16 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुई। संयुक्त राष्ट्र के और महासचिव इब्राहिम थियाउ ने अंतरिम में कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य किया और 15 अगस्त 2022 तक महासचिव एंटोनिया गुटरेस ने एस्पिनोसा की जगह पूर्व ग्रेनेडियन जलवायु मंत्री साइमन स्टील को कार्यकारी सचिव नियुक्त किया था। 2016 में UNFCCC को प्रिंसेज ऑफ एस्टुरियस अवार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रिंस एवं प्रिंसेज ऑफ एस्टुरियस अवार्ड मिला। तो ये थी UNFCCC से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन।
आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।